फिर वह वाणी और बिजली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। अनुत्वेत्यस्य वत्सा ऋषि वाग् विद्युतौ देवती पूर्वार्धस्य सामने जगदी छन्दः निषादः स्वरः उत्तरार्धस्य भृगार्षुरच्छन्दः ऋषभः स्वरः। ॐ अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सा गर्भ्यो नो सखा सयूथ्यः सा देवी देवा मच्छेहिन्द्राय सोमं रुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोम सखा पुनारेहि। इस मंत्र में इस प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार वर्तना चाहिए, जैसे धर्मात्मा विद्वान माता पिता भाई मित्र ये सभी अच्छे अच्छे व्यवहार में प्रवृत्त हों, जिससे परस्पर कर्तव्य का पालन हो और मित्रता प्रीति बढ़ती रहे, वैसे ही सभी धार्मिक विद्वानों को धर्मयुक्त व्यवहार करना चाहिए। ऋषि कहते हैं, हे मनुष्य, जैसे 44 वर्ष पर्यंत अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी लोग जिस विद्युत शक्ति को धारण करते हैं, अर्थात शरीर में तेज बल को धारण करते हुए वेद विद्या का अभ्यास करते हैं, वे ही परमात्मा के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। 44 वर्ष पर्यंत वेद विद्या का अध्ययन करने वाले सुख को प्राप्त होते हैं। वेद विद्या उनकी सखा के समान उन्हें सब प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ होती है। फिर वह वाणी और बिजली किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।